पंडुम आदिवासियों का पारंपरिक त्यौहार। बस्तर की आदिवासी परंपराएं अनूठी और रोचकता से भरपूर। छत्तीसगढ़ में बस्तर अपनी परंपराओं को लेकर विश्व विख्यात है। यहाँ जंगल में फल फूल खिलने, खेतों में धान बुआई से फसल तैयार होने पर सामूहिक उत्सव मनाया जाता है। बस्तर की आदिवासी परंपराएं अनूठी और रोचकता से भरपूर है। इनके रहन सहन और त्यौहार आज भी प्रकृति के करीब हैं। बस्तर क्षेत्र के निवासियों के लिए महुआ वृक्ष इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि इसका पौधा कोई भी रोपता नहीं है। जो पौधे अपने आप उगते हैं उन्हें ही रहने दिया जाता है। इनके उगने में पक्षी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे इसके फल फूल खाते हैं और इनके बीज इधर उधर छोड़ देते हैं। वही बीज उगते हैं और महुआ वंश का विस्तार होता है। हल्बी बोली में महुआ को महू कहते हैं। महुआ वृक्ष बस्तर की आदिवासी संस्कृति और इनके आर्थिक जीवन का एक अहम अंग है। इसके तने की छाल, इसके फूल और फल सभी काम आते हैं। जिसके पास 10 महुआ वृक्ष हो उसे गांव में संपन्न व्यक्ति माना जाता है। एक महुआ वृक्ष साल में 2 से 5 क्विंटल फूल और 50-60 किलो फल देता है। इसके तने की छाल का उपयोग पेट संबंधी बीमारियों में औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी छाल को रात भर पानी में भिगोकर रखा जाता है और सुबह उस पानी को रोगी को पिलाया जाता है। महुआ का फल टोरी कहलाता है। इसके अंदर से निकलने वाले बीज को सुखाकर उससे तेल निकाला जाता है। महुआ बीज का तेल ठंडक पाकर नारियल तेल के समान जम जाता है। इसे खाने के काम में भी लिया जाता है। सब्जी भाजी छोंकने में भी इसे प्रयोग किया जाता है। यह तेल त्वचा के लिए उत्तम माना जाता है। ठंड के मौसम में त्वचा को फटने से बचाने के लिए इसे शरीर पर लगाया जाता है। पहले मुरिया माड़िया आदिवासी सरई और खुरसा के साथ महुआ फूल की सब्जी बनाकर भी खाते थे। महुआ का वृक्ष वर्ष में एक बार फूलता है। फूल मार्च माह से अप्रैल माह तक झड़ते हैं। अलग अलग वृक्षों में आगे पीछे फूल आते हैं। इसके फूल बीनकर जमा कर लिए जाते हैं और उन्हें सुखाकर उनसे मंद बनाई जाती है। पहले फूलों से बनाई गई मंद सर्वप्रथम घर के देवी देवताओं को अर्पित की जाती है। इसके बाद लोग उसका पीना आरंभ करते हैं। बस्तर में देवधामी में महुआ मंद सर्वोपरि है। इसे अर्पित किए बिना किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना संभव नहीं है। विवाह मंडप में महुआ डार गाड़ना भी एक आवश्यक रिवाज है। इसको स्थापित किए बिना विवाह संपन्न नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ के कुम्हार इस कार्य हेतु एक विशेष प्रकार की मिट्टी की हांडी बनाते हैं। यहाँ के लगभग प्रत्येक साप्ताहिक हाट बाजार में यह हंडिया बिकती है। राज भवन धरा था कि एक ऐसे मंदिर स्थान पे आ चुके हैं। बीजापुर के भट्टीपारा में स्थित है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे आदिवासी जो समाज है, वो समाज के लोगों की परंपरा है कि जब कोई भी नया फसल तैयार होता है तो बिना उसके पूजा पाठ और बिना उसके पूजा किए ये उस फसल को स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक ये अपने देवी देवताओं को चढ़ा नहीं लेते तब तक इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उसमें से एक प्रसिद्ध वृक्ष महुआ, महुआ का जो वृक्ष है उसका फल काम आता है, उसका फूल काम आता है और उसके पश्चात उसका कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस स्थान पे उपयोग करते हैं आदिवासी समाज के लोग, आज हम जानना चाहेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत से आदिवासी वर्ग जो यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के जो गायता हैं,
यहाँ के जो कुटिया हैं, हर एक से हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आज यहाँ चिकटा पावन धरा धाम पर इन्होंने जो पूजा अर्चना किया है और क्या इनकी परंपरा बताएंगे, बताइए दादा महुआ का क्या महत्व है और क्या बताइए आपका दादा नाम क्या है? अच्छा मेघनाथ, हाँ बताइए कि महुआ जो आप लोगों ने आज यहाँ पर महुआ का जो पूजा किया है आराधना किया है, मतलब यह परंपरा कैसा है? पंडोम बनाने के लिए जी, इसमें जब तक यहाँ पंडोम नहीं बनाते हैं तब तक उसके बाद में महुआ नहीं बीनते हैं, नहीं बीनते उसके बाद में महुआ बीनने से उसके बाद हम लोग को कुछ ना कुछ हो जाता है गरी करवा के, चाहे यहाँ कोई भी रहते हैं तो उसके बाद में हम गाँव में गाँव आते कुछ ना कुछ हो जाता है। पहले पंडोम बनाते हैं उसके बाद में टीकाराज के यहाँ पूजा करते हैं, उसके माता यहाँ करते हैं, अर्जुन बीन का जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसके बाद में महुआ नहीं बीनना चाहिए। अच्छा बिल्कुल, हम देख रहे हैं हमारे साथ और भी पुजारी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि बिल्कुल बताएंगे दादा कि ये जो आप लोग का त्यौहार है या पारंपरिक त्यौहार है यह किस प्रकार से मनाते हैं? पूर्वज के अनुसार जो हमारा एक विधान है जो आदिवासी संस्कृति सर, जो महुआ का जो बीनने का जो रहता है, इसके पहले हम लोग बैठकर पूरे मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पे भी जो एक मुख्य स्थल है जो मेला स्तर पे वहाँ पे पूजा पाठ करके वहाँ पे एक मुर्गी का अपने आदिवासी परंपरा अनुसार बलि दे करके वहाँ भी महुआ दारू का तर्पण करके फिर हम लोग फिर महुआ बीनने का कार्य यहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल बता रहे थे कि महुआ बीनने का जो परंपरा है, महुआ का जो वृक्ष है उसका सर्वप्रथम फूल जो गिरता है, सबसे पहले उसके फूल का बड़ा महत्व महुआ जिसे कहते हैं, उसके पश्चात महुआ के बाद बनता है टोरा, जो फल आता है उसका सब्जी बनाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, उसके बाद उससे जो निकलता टोरा उसका तेल बनता है, तेल निकाल के तेल का यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं बवासीर और क्रोमिक क्रेंटिकल बीमारी जो है, बहुत प्रकार से बीमारियां हैं, उसके लिए उसका छाल उसका जड़ का काम आता है। और जहां तक वैज्ञानिकों ने भी सर्च किया है शोध किया है उसमें भी आप देखेंगे कि महुआ का बहुत बड़ा महत्व है। और उसके पश्चात हम यहाँ पर जब महुआ के पश्चात उसका दारू बनाया जाता है तो आदिवासियों की जो संस्कृति जुड़ी हुई है दारू से, जब इनके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो भी दारू उसको चढ़ाया जाता है देवी देवताओं को, जब शादी ब्याह होता है तो वहाँ भी चढ़ाया जाता है देवी देवताओं को। यह है हमारे जो साथ यहाँ मौजूद थे ग्रामीण सभी बता रहे थे कि किस प्रकार से महुआ का महत्व है और महुआ क्यों उपयोगी है, महुआ किस लिए उपयोगी है। यह एक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यह एक परंपरा से जुड़ा हुआ है, यह एक धर्म से जुड़ा हुआ है जो हमारे बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और हम आज यहाँ मौजूद थे इनके साथ में सभी यहाँ उपस्थित हैं, 100 से 150 की संख्या में सभी लोगों ने बता रहे थे कि महुआ का पंडुम मनाते हैं, खास करके जब महुआ का इस्तेमाल करने के पूर्व। यह सभी तर्क न्यूज़ सच की आवाज़ आज तक।